हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सपना मारवाल। वेलकम टू एवन एजुकेशन अकेडमी ऑनलाइन क्लास। आज का अपना टॉपिक है मात्राएं। ये टॉपिक क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर थर्ड, और टॉपिक है मात्राएं। मात्राएं क्या होती है? जब स्वर होते हैं, स्वर जो 11 स्वर होते हैं ना, ए आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये जो 11 स्वर है ये अपना रूप मात्रा में बदलकर व्यंजन के ऊपर व्यंजन के साथ लगा दिए जाते हैं, तो जो बदला हुआ रूप होता है वही क्या होता है? मात्राएं होती हैं। देखिए, जब स्वर अपना रूप बदल के, देखना, स्वर यानी कि ए आ ई ई जो 11 स्वर होते हैं वह अपना रूप, मतलब वो ए आ ई से मात्राओं में चेंज हो जाते हैं, मात्राओं में बदल जाते हैं, और बदलकर व्यंजनों के साथ मिलते हैं, यानी कि व्यंजनों के साथ उनको मिला दिया जाता है, व्यंजनों के साथ जो मात्राएं लगा दी जाती है, तो उनका यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। तो जब वो मात्राएं व्यंजनों के साथ लग जाती है, और व्यंजन के साथ लगने के साथ ही जो स्वर होते हैं उनका रूप चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो वही कहलाती है मात्राएं। अंडरस्टैंड? देखिए, जैसे जैसे कि यहाँ पे लिखा है ई, ये ई क्या है? ई है स्वर, ई स्वर है, और ये है ई, अपन बोलते हैं ना छोटा ई, छोटा ई, तो ये छोटा ई है, और ये है छोटे ई की मात्रा। अब इस छोटे ई की मात्रा को हम व्यंजन के साथ लगाते हैं, ये यहाँ पे क्या है? व्यंजन है। हमने जो वर्णमाला और वर्ण पढ़े थे उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था कि क्या स्वर होता है, क्या व्यंजन होता है। तो ये ई है, ये स्वर है, और ये कै है, ये व्यंजन है। ये है छोटे ई की मात्रा, ये है छोटे ई की मात्रा। अब इस छोटे ई की मात्रा और ये है व्यंजन, इस कै के साथ इस छोटे ई की मात्रा को लगा देते हैं, तो यहाँ पे इस ई का रूप बदल गया। ये जो ई है इसका रूप बदल के यहाँ पे मात्रा में आ गया। तो इस कै का ऊपर छोटे ई की मात्रा लगाने से यह बन गया की। क्या बन गया? की। अब मात्रा को पढ़ने में जब कैसे पढ़ा जाता है? छोटा है तो बोलेंगे की। अगर इसी के उस की, इस कै के ऊपर हम ये वाली मात्रा लगा देंगे, तो ये वाली मात्रा ऐसे लगेगी, तो ये बन जाएगा की, मतलब इसके ऊपर जोर लगा के बोला जाएगा। छोटी मात्रा जब लगी है तो बना की, और बड़ी मात्रा लगी तो बन गया की। तो जो ये मात्राएं होती हैं इसे जोर लगा के बोला जाएगा बड़ी मात्रा के साथ में। इसी तरह यहाँ पे है बड़ी ई, इसे ई, इसे ई, तो इस बड़ी ई की ये होती है मात्रा, और ये किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ लगती है, किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ लगती है तो इसका रूप बदल जाता है, और ये बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। अब ये खै के ऊपर हमने बड़ी की मात्रा लगाई कि ये बन गया खी। क्या बन गया? खी। क्या बन गया? खी। तो ये क्या बन गया? खी बन गया। देखिए, अब आगे देखिए, स्वरों का रूप मात्राओं में निम्न प्रकार बदला जाता है। जो स्वर होते हैं, स्वर कौन से? ए आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये जो 11 स्वर है, ये जो 11 स्वर है इनको हम मात्राओं में चेंज करेंगे तो इनका रूप बदल जाएगा, और वो क्या हो जाएगी? मात्रा हो जाएगी। देखिए, ए, ए जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई भी मात्रा नहीं होती, लेकिन ये जो ए होता है वो सभी व्यंजनों के साथ में मिला हुआ होता है। कोई भी व्यंजन, जितने भी अपने 33 व्यंजन है, कै खै गै गै और ग से ग्यानी तक, तो ये जो 33 व्यंजन है इनके अंदर ए मिला हुआ होता है, पहले से मिला हुआ होता है। हम व्यंजनों को बिना ए के लिख तो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कै और उसके नीचे मैंने हलंत लगा दिया, इसका मतलब ये आधा कै है, तो हम इसको लिख तो सकते हैं, लेकिन बिना ए के सहायता से हम इसको बोल नहीं सकते हैं, बिना सहायता से इसको हम बोल नहीं सकते हैं। इस कै के अंदर क्या होता है? ए जुड़ा हुआ होता है, उन दोनों को जोड़ने से ये पूरा कै बनता है, और जब तक पूरा कै नहीं बनेगा तब तक हम इसको बोल नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कि ए सभी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर बिना ए के हम व्यंजन वर्ण को लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ए सभी व्यंजन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। आगे देखिए, आ, तो आ, आ, आ बोलने पे अपना मुंह खुलता है, आ बोलने पे अपना मुंह खुलता है, और आ की मात्रा हो
नेक्स्ट देखिए इन इसे इमली इसे इमली तो ई जस्ट मैंने यहां पे लिख दिया गए गए अब मैं बोलूंगी गए के छोटी ई की मात्रा लगानी है इसे इमली की मात्रा लगानी है तो मैंने इसे लगा दी मात्रा तो ये बन गया गी क्या बन गया गी इसके ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा धीरे से बोला जाएगा गी ओके उसी तरह ये है ई से ई यानी बड़ी इमली या बड़ी ई बोल सकते हैं इसको इसकी मात्रा होती है छोटी ई से अपोजिट छोटी ई की मात्रा ऐसे लगती है बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है जब बड़ी ई की मात्रा किसी भी व्यंजन के ऊपर लगती है जैसे मैंने लिखा है यहां पे ट ट के ऊपर मैंने बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो बन गया टी बड़ी ई की मात्रा को हमेशा जोर देकर बोला जाता है बड़ी ई की मात्रा को हमेशा जोर देकर बोला जाता है तो ये बन गया टी समझ में आ रहा है नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है ऊ ऊ से उल्लू यानी कि छोटा ऊ यानी कि छोटा ऊ और छोटे ऊ की मात्रा क्या होती है ये होती है हम छोटे ऊ की मात्रा जैसे मैंने छोटे ऊ की मात्रा यहां पे लगाई है मैंने लगा दी ट पे छोटी ऊ की मात्रा लगा दी तो ये बन गया तू इसको धीरे से बोलेंगे इसको बोलेंगे जब अपन बोलेंगे तो इसमें ज्यादा जोर नहीं लगता है बोलेंगे तू ठीक है तो ये है छोटा ऊ अब आगे उसे ऊ यानी कि बड़ा ऊ किसी भी व्यंजन वर्ण पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं किसी भी व्यंजन वर्ण पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये बन गया तू इसके ऊपर जोर देकर बोला जाता है बड़े ऊ की मात्रा हमेशा जोर देकर बोली जाती है तो ये बन गया तू किसी भी व्यंजन वर्ण पे किसी भी व्यंजन वर्ण पे ये मात्राएं हम लगा सकते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है री इसे ऋषि 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 तो जैसे मैंने क्या लिखा मृग तो ये र की ध्वनि निकलती है बीच में क्या निकलती है र की ध्वनि निकलती है क्या निकलती है र की ध्वनि निकलती है उसके बाद में क्या दिया हुआ है उसके बाद में दिया हुआ है ए से एडी ए से एडी क्या बोल सकते हैं छोटा ए ठीक है ना जैसे मैंने लिखा ये है कला और अगर मैंने इसके ऊपर ए की मात्रा लगा दी तो बन गया केला क्या बन गया केला इसके ऊपर भी ज्यादा जोर नहीं लगाते हैं ये बोलने में गोला आ जाएगा केला उसी तरह है ऐसे ऐना जैसे मैंने बोला ये है मना मैंने इसके ऊपर ए की मात्रा लगा दी बन गया मैना क्या बन गया मैना ठीक है उसी तरह देखिए आगे क्या दिया हुआ है ओ क्या दिया हुआ है ओ जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ये है आखल अगर मैंने आखल लिखा है अगर मैंने इसके ऊपर ओ की मात्रा लगा दी तो ये बन गया ओखल क्या बन गया ओखल और इसके ऊपर मैंने बड़ी की मात्रा लगा दी तो बन गया ओखली क्या बन गया ओखली समझ में आ रहा है आगे देखिए दिया हुआ है आउ आउ तो आउ की मात्रा जैसे औरत क्या हो गया औरत तो हम कह सकते हैं कि जब स्वरों किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ में स्वरों का रूप बदलकर उसके साथ लगा दिया जाता है तो वो बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है बदला हुआ रूप क्या कहलाता है मात्रा कहलाते हैं तो ये हमने स्वर दिखा है स्वर के नीचे हमने मात्राएं बताई है हमने कहा है कि ए की कोई मात्रा नहीं होती है ए हमेशा सभी व्यंजन वर्ण के साथ में जुड़ा हुआ होता है ए हमेशा व्यंजन वर्ण के साथ में जुड़ा हुआ होता है व्यंजन वर्ण को बिना ए के लिख सकते हैं बिना ए के हम लिख सकते हैं लेकिन बिना ए के बोल नहीं सकते पढ़ नहीं सकते हैं आगे देखिए अच्छा तो जैसे मैंने बता दिया कि जैसे बिना बोले हम व्यंजन वर्ण को कैसे लिख सकते हैं बिना बोले हम व्यंजन वर्ण को ऐसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं लेकिन इसको हम बोल नहीं सकते हैं इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये जब ये हलत नीचे लग जाता है ना तो ये आधा अक्षर होता है और आधे अक्षर को हम बोल नहीं सकते हैं ठीक है आगे इससे आगे का जो है टॉपिक वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इससे इसको मैंने पढ़ाया इसको आप अपनी बुक से एक बार रिविजन कीजिएगा जो समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो तब तक के लिए बाय बाय हैव अ नाइस डे थैंक यू